रास्ते में एक पुजारी को पूछा था ये मंदिर के बारे में मालूम नहीं है और ये घूमती दुकान यहाँ में आइसक्रीम आया तो ये भैया ने भैया आइए तो बताइए तो ये मंदिर के बारे में एशियन हाईएस्ट मंदिर है उसको तो हम लोग मालूम है बट बना कब कौन कैसे ऐसे थोड़ा सा बताइए तो जो गुरु महाराज जी थे ना ये वह करनाल से आए थे ये करनाल पानीपति करनाल से आए थे यही इन्होंने तपस्या की हम तो छोटे छोटे होते थे इनके सामने बच्चे पर इन्होंने तपस्या की पहाड़ी निकाला इन्होंने यहाँ पे अपनी शक्ति से और उसके बाद रहने लग गए इनके साथ एक जानकू होता था जानकू होता था जो इधर उधर इनकी सेवा करता था फिर हम भी जाते थे हमारे पिताजी भी ऊपरी गए मंदिर में सारा कुछ होने के बावजूद सब कुछ और ये 1983 में ये समाज है 1983 को बनाया ना हाँ, नहीं समाज गए थे ये खुद फाउंडेशन रख के गए ये सारे मंदिर की भी अपनी समाधि की भी और कौन गुरु जो कहाँ से आया बोला था ये पानीपत करनाल के थे पानीपत से आया था ना अच्छा तो आके वो 60 साल हो गए इनको ऐसे मतलब यहाँ मंदिर बनाते हुए मैं 60 साल हो गया ठीक है उतना ही चाहिए था हमको थैंक यू भैया थैंक यू हाय गाइस गुड मॉर्निंग जतोली एंड जॉय इन इंडिया आई लव यू गाइस हम है अभी जतोली सोलंग का सामने हिमाचल में तो आप लोगों को हम दिखाएगा हम कहाँ पे हैं तेंतरेन हम है जतोली ये देखिए जतोली हाईएस्ट टेंपल ऑफ लॉर्ड शिवा का टेंपल में अभी हम जाएगा अंदर में दर्शन करने के लिए ओके तेंतरेन और मेरा पार्टनर लोग जा रहे हैं यहाँ से जाएगा इनसाइड सो बाय बाय चलो चलते हैं हमें बाबा जी लोग बैठा है ये देखिए कुछ तिकाई का मंदिर लगाएगा होगा भोलेनाथ खुश रखे महादेव खुश रखे जाओ आपके घर में एकता बनी रहेगी बेटी आज एकदम बेटी मन दुखी तो नहीं है नहीं नहीं अरे हमको आशीर्वाद दे आशीर्वाद थैंक यू खुश रहे ओके तो अब देखो पूरा मंदिर ये देखो कैसे लगा स्टेप बढ़िया वाह वो मेरा हम लोग का गाइड है ब्लैक कपड़ा पहनने वाला ये स्टेप से ऐसे आना पड़ेगा ये लोग का पकोर पकोर को हम वीडियो ले रहे हैं देखो डस्टबिन फेंका है प्लीज डस्टबिन मत फेंकिए ये देखो अच्छा नहीं है मंजिल गाइस बहुत ये स्टेप उठ उठ के हम लोग जतोली ये सोलंग को सामने में है नोनी से भी सामने है हिमाचल प्रदेश इन हिमाचल प्रदेश सो हम लोग अभी एंटर हो जाएगा गेट पहुंच गया एशियन हाईएस्ट शिव लॉर्ड शिव का मंदिर है ये तो चलिए कुछ इसी तरह है मंदिर का गेट तो हम लोग जा रहा है इनसाइड देखिए आप लोगों को मैं दिखाऊंगी बढ़िया बढ़िया ये कौन कौन है माँ दुर्गा है क्या पहचानने वाला बताओ दे ये बीच में खड़ा होने वाला कौन है वो तुम्हारा आलू ने फिर भी बहुत सुंदर सुंदर स्क्रिप्ट किया है ओ ये महाभारत में देखा था ना ये है क्या बोलते हैं राक्षस लुक और ये है ओ ये कछुआ देखो और ये है भगवान लोग तो इतना ही है और ये हमें पूरा स्क्रिप्चर दे के रखा है अरे उधर में भी बहुत सुंदर दिया है तो ये रहा मंदिर जो सर तो हम लोग मंदिर के अंदर में जा रहे हैं सो सूप रख लिया
तो भरतिया क्या क्या परिधान बहन करके लिए मंदिर, ये रहा यह मंदिर, ये ऐसे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये देखिए बढ़िया है, अच्छा से दिखाएगा मंदिर जा लेगा ना, प्रे कर लेगा। आफ्टर दैट आई विल शो यू फोटो भी जितना दिखाए, बट थोड़ा सा वीडियो ले रहे हैं। प्रे हो गया एंड और अभी आप लोग को हम व्यू दिखाएगा कितना पहाड़ों के बीच में, अभी आप लोग को व्यू दिखाएगा। हाँ व्यू देखिए, पहाड़ों के बीच एक मंदिर एंड घंटी, ये सब आज रियल एंड फिल्म में देखता था, आज अच्छा लगा है अपना से हकीकत में देख के, इतना सुकून मिल लग रहा है। नंदी बाबा, नंदी बाबा को तो पहचान गया, बात ये चिड़िया का नाम क्या है उसको प्लीज कमेंट में बता दीजिए। गाइस वो रहा लॉर्ड शिव, एशियन हाईएस्ट लॉर्ड शिव का टेंपल है। सो अभी हम लोग विजिट कर लिया एंड चलो मैडम, हेलो मैडम, लुक हियर, हो रहा कलुआ एंड नाउ वी आर लिविंग फ्रॉम हियर। सो हम लोग चला जाएगा अभी, शाम जो इतना हीट है, गर्मी से मटा खुजली हो रहा है ओ मेरा। सो गाइस ये भैया ये हम लोग का सूप को इतना देखभाल कर दिया, बहुत अच्छा लगता है, दूसरा का सबका सेवा कर देता है एंड आई लाइक इट वेरी मच, बहुत ना भैया आप सब कुछ सेवा करता है ना सू देखभाल करके। एनीवे तो भैया सू देखभाल करने के लिए सर्च भी नहीं लिया है, बट सामने में एक कटोरी था ना थाल जैसा, उसमें कुछ कॉइन ऐसे कुछ 10 रुपया ऐसे था ना, हमने भी 50 रुपीस डाल दिया, बताना नहीं चाहिए था 50 रुपीस डाला है बोल के, बट आप लोग भी इतना सेवा करता है तो आप लोग भी डाल देना है कुछ ना कुछ। बाबा जी आप ये जातोली का बारे में कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं, बताएगा कुछ थोड़ा सा मंदिर के बारे में थोड़ा बताएगा कैसे, हाँ कैसे बनाया के, ये बहुत सदियों पुराना है, कितना सदियों पुराना पता नहीं इसका, आप मालूम नहीं है हाँ। कब बनाया आपको मालूम नहीं है, नहीं नहीं ये एशिया का हाईएस्ट है ना, हाँ, एशिया में सबसे ऊंचा मंदिर है शिव मंदिर ना, वो तो हम मालूम है, फिर कौन बनाया क्या बनाया मालूम नहीं है ना, सो कोई बात नहीं, ये बाबा को भी, ये बाबा वेरी यंग सो बाबा को भी मालूम नहीं है, ऊपर में पूछने के लिए किसी को हम मिला नहीं है, देखते हैं पंडित जो पुजारी बहुत बिजी था पंडित जो, सो इसलिए हम पूछते नहीं सका, कोई बात नहीं, एशियन हाईएस्ट शिव मंदिर है ये, तो आप लोग भी विजिट कीजिए छतौली में, सोलन से सामने है, हिमाचल शिमला का सामने में ही है, सोलन सोलन में जिला, सोलन से आगे 12 किलोमीटर आगे, हाँ सोलन से 12 किलोमीटर शिमला, आप लोग शिमला में जनरली आदमी विजिट करता है, शिमला जाने से जरूर विजिट कीजिए यहाँ में चतौली, चतौली जतौली, ओ जतौली 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 सोलन का सामने में है। ओके बाय, ठीक है बोलिए तो खुशी रहो खुशी रहो, जय हो, थैंक यू भोलेनाथ।